विजय धोंडोपंत तेंदुलकर को आज हम विजय तेंदुलकर के नाम से ही जानते हैं। मराठी लेखक विजय तेंदुलकर को अपने लिखे नाटकों, फिल्मों, लेखों और राजनीतिक टिप्पणियों से अखिल भारतीय पहचान मिली। हरगिज नहीं, हम किसी भी हालत में इस प्लान को नहीं मान सकते। आखिर किस दिमाग की उपज है ये? क्या इरादे हैं इसके पीछे कि हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाए? 9 जनवरी 1928 को कोल्हापुर में जन्मे विजय तेंदुलकर के पिता एक छोटे से पब्लिशिंग हाउस में क्लर्क थे। किताबों के बीच पलते हुए विजय तेंदुलकर में लिखने का रुझान पैदा हुआ। 14 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ते हुए विजय तेंदुलकर स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। अखबारों में लिखकर जीविकोपार्जन करते हुए विजय तेंदुलकर कठिन जीवन स्थितियों से भी गुजरे, जब उन्हें मुंबई की झुग्गी बस्तियों में भी रहना पड़ा। जीवन को बहुत समीप से देखने ने विजय में लेखन का ताप पैदा किया। गिधाड़े उनका पहला चर्चित नाटक था और उसके बाद उनके लिखे अनेक नाटकों और फिल्मों ने न सिर्फ मराठी में बल्कि देश की कई भाषाओं में जगह पाई। पांच दशकों से भी ज्यादा मराठी रंग जगत में सक्रिय रहे विजय तेंदुलकर ने अपने साहित्य के जरिए समाज से जुड़ी समस्याओं और राजनीतिक मुद्दों को मंच पर बड़े प्रभावी ढंग से पेश किया। जगण्याच्या वेदनेहून मोठा प्राण उधळावा तेव्हा तो असल्याचं भाग्य लक्षात येतं, प्राण प्राणापलीकडे जपावा तेव्हा तो उधळण्याच्या दायकीच असल्याचं पडतं। उनके लिखे नाटक और फिल्में आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। अगर करोड़ों जनों की बेसिक जरूरतें पूरी करने का सवाल उठता है तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भी कतर देना चाहिए। कहिए मिस गोखले, आपकी क्या राय है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी इशू को लेकर खुद कोई एक्शन करने को तैयार हों तभी इसमें दखल देना चाहिए, वरना डिस्कशन का तो कोई अंत ही नहीं।